चलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर सीए मोहित तापड़िया। और अभी कुछ बच्चों मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए, 12th चालू हो गया, समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई कैसे करें। चलिए, तो आज हमारा जो है सेशन है वो हम आपको बेसिकली बताने वाले हैं कि 12th बोर्ड की प्रिपरेशन और 12th बोर्ड के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स कैसे मैनेज किए जाएंगे। हम सबको पता है कि 12th बोर्ड में हमारे पास पांच सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अब उन पांचों सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी टाइम देना पड़ता है। किसी के कंप्यूटर होता है, किसी के हिंदी होता है, किसी के गुजराती होता है, राइट? सो वी हैव सम एडिशनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। मैं एडिशनल सब्जेक्ट्स का मैनेजमेंट आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारे जो मेन पांच सब्जेक्ट्स है वो कैसे पढ़े जाने चाहिए, उनके क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए, सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए, सिलेबस किस पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होने के बाद फिर हमें रिवीजन या री रिविजन, पेपर प्रैक्टिस, वो सब कैसे करना है। आज के इस वीडियो में हम वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको टाइम डिविजन कैसे करना है वो सिखाना। हमें पता है कि जब हम बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स की गुजरात बोर्ड की, तो हमारे पास पांच सब्जेक्ट्स आते हैं। सीबीएसई वाले बच्चों में और गुजरात बोर्ड वालों में फर्क ये होता है कि गुजरात बोर्ड वालों को सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। उसके बाद में हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स। एंड उसके बाद में दो थ्योरी सब्जेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ओसी। फिर लास्ट आ जाता है हमारा इंग्लिश। सो अब हमारे अगर हम तीन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो सबसे पहले आते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा समय जो सब्जेक्ट मांगता है वो होता है अकाउंट्स। ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चा साल में करीबन करीबन 40% टाइम अकाउंट्स ही पढ़ता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, समय बहुत मांगता है। पर आपको पता है कि आपके भाई ने इस सब्जेक्ट को ईजी करने के लिए आप पे खूब मेहनत करके रखी है। जो मेरे फ्री यूजर्स है वो आराम से शेपर्स एडुकेशन के यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो से इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखते हैं। जो मेरे पेड यूजर्स है वो शेपर्स की वेबसाइट पे जाके सारे टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स, डिटेल्ड वर्कशीट्स, डिटेल सब कुछ पढ़ते हैं। आप अगर आराम से माने मत माने, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैंने ये सब स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैं गुजरात बोर्ड को सबसे अफोर्डेबल बनाना चाहता हूँ। पूरे गुजरात में तो क्या, पूरे इंडिया में भी कोई नहीं होगा जो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मात्र 2000 रुपीज के अंदर पढ़ा रहा है। 2000 रुपए के अंदर आपको हमारी वेबसाइट पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स लेटेस्ट रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे। आप खाली वेबसाइट पे जाके विजिट करिए। हर रोज हम लोग वेबसाइट पे जाके नए नए टॉपिक्स ऐड करते हैं, जिसका कुछ पार्ट हम यूट्यूब पे भी ऐड करते हैं हमारे फ्री यूजर्स के लिए। बट डिटेल्ड वीडियो सारे के सारी हमारी वेबसाइट्स पे आती है। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.shapers education.com। इस वेबसाइट पे जाओगे तो ये वेबसाइट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए काम कर रही है, जहां पे आप लोगों के लिए नोट्स, बुक्स, वर्कशीट सब कुछ अवेलेबल रहती है। बहुत सारे कंटेंट हम फ्री भी डालते हैं यहाँ पे, बहुत सारे कंटेंट हमारे पेड भी रहते हैं। आपकी जैसी कैपेसिटी वैसे आप कर सकते हो। आप चाहो तो आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले सकते हो जो सिर्फ 499 में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो भैया आपकी सेवा में मैं तो लगा हुआ हूँ। आप देखिए आपको कैसे पढ़ना है, समय वेस्ट करना अलाउड नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा, अकाउंट्स हमारा 40% टाइम लेता है। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स लगभग लगभग हमारा 20% समय लेता है। इको ओसी दोनों इजी होता है क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत कम है यार। 100-125 पन्ने की किताबें, 150 पन्ने की किताबें, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर 150 पेजेस को 300 दिन में डिवाइड करो तो दिन का आधा पन्ना पढ़ना है आपको, तो कोई बड़ा टारगेट नहीं है। तो बाकी के बचे कुछ 15-20% टाइम हम लोग इन सब्जेक्ट्स में देते हैं, और सबसे लीस्ट समय हम देते हैं इंग्लिश के अंदर। कुछ तो ये इजी भी होता है, कुछ को पढ़ने में ज्यादा मेहनत लगती नहीं है। अब ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट की, भैया हम एक महीने में कितना कितना समय कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवोट करेंगे। अब बात आती है टारगेट्स की। तो गाइस समझिएगा एक बात को ध्यान से, हम अभी बैठे हैं जून महीने के अंदर, राइट? जून महीना लगभग लगभग खत्म होने वाला है। हम सबको पता है कि हमारी एग्जाम्स अप्रैल के अंदर आती है या फिर मार्च एंडिंग के लगभग लगभग हमारी एग्जाम्स आती है।
हम सबको पता है कि इस बार दिवाली वेकेशन है नवंबर में, 1 नवंबर की दिवाली है, तो 1 नवंबर से लेके या समझ के चलिए 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक हमारी स्कूल में छुट्टियां रहती है, हम भी घूमते हैं फिरते, लेजर टाइम रहता है। तो हमारा टारगेट आज जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं अप टू 25 अक्टूबर। अब 25 अक्टूबर तक आपको करना क्या गाइज वो समझो, आपका काम रहेगा सबसे पहले तो आपको कैसे पढ़ना है, किन से पढ़ना है, ट्यूशंस क्या है, स्कूल क्या है, ऑनलाइन मीडियम से पढ़ना है तो क्या मीडियम है, वो सब आपको फिक्स करना रहेगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप लोग सीरियस हो जाओ। आप सब लोगों की स्कूल लगभग जून में स्टार्ट हुई थी, किसी की 10, किसी की 12, किसी की 15, बराबर है, बट अब स्कूल अच्छे से फुल फ्लैश चालू हो गई है। जो बच्चे स्कूल जाना चालू कर दिए, भैया स्कूल में ध्यान देना चालू करो, पढ़ाई पे थोड़ा सा मन लगाना चालू करो, क्योंकि मैं आपको आज टारगेट्स दे रहा हूं, जिन टारगेट्स को आपको अच्छे से कंप्लीट करना रहेगा। हमारा टारगेट है कि दिवाली वेकेशन से पहले हमारा सारा सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मैं ये बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको यहां बैठ के सारे चैप्टर्स दिवाली वेकेशन से पहले, इनफैक्ट मैं तो टारगेट लेके बैठा हूं 31 सितंबर से पहले मेरा सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपको मेरे वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिएगा, 31 सितंबर से पहले ये सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं, उन बच्चों के लिए जो आराम से हमारे साथ हमारे भरोसे बैठे हैं। कोशिश जरूर करूंगा कि मैं आपके लिए कुछ लाइव क्लासेस लूंगा, जो सबके लिए लूंगा, डाउट बैचेस लूंगा, सबके लिए लूंगा, जिसमें आप सबको खूब मजा आएगा। बट तब तक के लिए हम ये टारगेट पे रहेंगे, 25 अक्टूबर तक हमारा सारा सिलेबस विद रिवीजन, विद सिंगल छोटे मोटे टेस्ट सब कुछ हो जाना चाहिए, ये हमारा काम रहने वाला है। अगर हमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो दिवाली वेकेशन हम आराम से एंजॉय करना डिजर्व करते हैं। अब ये टारगेट अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे वो समझते हैं। हमारे पास फिलहाल टाइम बच रहा है जून का एक हफ्ता करीबन, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पूरा का पूरा देखा जाए तो हमारे पास करीबन 4 महीने पूरे है, यानी कि वी हैव नियर अबाउट 120 डेज, हमारे पास 120 दिन है। अब इन 120 दिन में हमें ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, लगभग देखा जाए तो कोई बड़ा टास्क नहीं, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अब टारगेट मंथ वाइज डिवाइड करते हैं, तो अगर हम इस टारगेट को मंथ वाइज डिवाइड करेंगे तो हम अगर बात करें जुलाई मंथ का टारगेट हमारा, तो जुलाई मंथ का हमारा टारगेट रहेगा, हम कोशिश करेंगे अकाउंट्स का वॉल्यूम 1 यानी कि पार्ट 1 पूरा फिनिश करने का, राइट। लास्ट के 1-2 चैप्टर्स छूट सकते हैं, बट हम टारगेट करेंगे एटलीस्ट हम अकाउंट्स के पार्ट 1 में 4 चैप्टर्स मिनिमम फिनिश करेंगे। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, तो जुलाई के अंदर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 हम पूरा फिनिश करेंगे। हम ये टारगेट रख रहे हैं कि जुलाई में हम इसका भी पूरा पार्ट 1, फुल पार्ट 1 खत्म करेंगे। अगर हम बात करें ओसी और इको की, तो भैया ओसी और इको के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स ओसी के और 5 चैप्टर्स इको के, ठीक है। मुझे पता है टारगेट थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ज्यादा है, कोई बात नहीं, 5 का टारगेट लग रहा है, अगर लग रहा है 4 होंगे तो 4 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोशिश करेंगे। एक काम करते इसमें कमी कर देते कि आपको टेंशन ना हो, चलिए हम कोशिश करते हैं 4 चैप्टर्स इन 2 सब्जेक्ट के फिनिश करने की कोशिश करेंगे अप टू द मंथ ऑफ जुलाई। इतना इंग्लिश के अंदर तो भैया थोड़ा बहुत चैप्टर्स पोएम चलता रहता है, इंग्लिश का मुझे ज्यादा लोड वैसे भी होता नहीं, आप इजीली कवर कर लेते हो। तो ये हमारा टारगेट रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जून, हम जून के अंदर इतना कोशिश करेंगे। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि अगस्त में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है, भैया रक्षाबंधन आता है, फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आ जाते हैं, फिर जन्माष्टमी आ जाती है, फिर और भी हमारे मारवाड़ियों में, गुजरातियों में बहुत सारे त्यौहार आने लग जाते हैं, क्योंकि गणगौर के बाद में फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, तो समय थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट होता है इन चीजों में। इसलिए मैं जुलाई में थोड़ा टारगेट बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगस्त में कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होती ही होती है। तो अगर हम अगस्त में बात करेंगे सेम टारगेट को, तो अगस्त में हम कोशिश करते हैं कि हम हमारा पार्ट 1 पूरा फिनिश कर दे, कुछ भी बाकी नहीं रखे, इनफैक्ट समय मिलेगा तो पार्ट 2 भी थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, राइट। स्टैट्स पार्ट 2 हम लोग को स्टार्ट करना है, जिसके एटलीस्ट हम फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर, जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर वो फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओसी के अंदर हम लोग करीबन 7-8 चैप्टर्स तक पहुंचेंगे अगस्त के एंड तक। इकोनॉमिक्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि 7-8 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में भी फिनिश करेंगे, और इंग्लिश में हम कोशिश करेंगे सेम टू सेम नियर अबाउट 60% पोर्शन हम इंग्लिश का भी करेंगे। अगर अगस्त में हमारे टाइम टेबल अटेंड हो गया तो सितंबर खत्म होने से पहले इन सारे सब्जेक्ट के सारा सिलेबस हम फिनिश करेंगे।
क्योंकि अक्टूबर रिवीजन का टाइम होता है, दिवाली से पहले कॉन्फिडेंटली हमारे सारे टॉपिक खत्म होने चाहिए, दिस इज आवर बेसिक टारगेट। एक चीज और बता रहा हूं, ये टारगेट उन लोगों को अनअचीवेबल लगेगा जो लोग अभी भी अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है। द ओनली रीजन व्हाई पीपल से दैट सीबीएसई इज हायर देन स्टेट बोर्ड इज बिकॉज स्टेट बोर्ड वाले बच्चे बहुत लिमिटेड पढ़ाई करते हैं। यार गुजरात बोर्ड, मैं गुजरात बोर्ड का होके मैंने सीए किया है, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई भगवान है, गुजरात बोर्ड नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। द ओनली पॉइंट इज आप लोगों को थोड़ा सा अपने पढ़ाई को लेके ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बोर्ड में प्रॉब्लम है कि हमें स्कूल में भी टीचर्स, हमें कोचिंग में भी टीचर्स रटवाने पर फोकस करती है। हमें रटना नहीं है यार, हमें समझना है। जिस दिन आपने कॉन्सेप्ट समझना चालू कर दिया, सीबीएसई गुजरात बोर्ड का डिफरेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसी समझो यार, रटो मत। जब समझना चालू कर दोगे सब कुछ इजी लगने लग जाएगा। तो ये टारगेट अनअचीवेबल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, सब कुछ इजीली हम कवर करेंगे, राइट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अक्टूबर तक ये सब कुछ फिनिश करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं आज वेबसाइट पे, उनको तो 100% सब कंटेंट मिलेगा। मैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हमारे होते हैं वो यूट्यूब पे सब डालने की कोशिश करूंगा। हम लोग हमेशा से दिवाली के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने ओसीईको के बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर किए थे, जिसमें बहुत सारा कॉन्टेंट एग्जाम में भी आया था, बच्चों के मैसेजेस भी आए थे, सर ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया, ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया। सो 100% आएगा। इस बार भी दिवाली के बाद में बहुत सारा कॉन्टेंट आपके लिए ऑनलाइन डालूंगा फ्री बच्चों के लिए, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट तब तक के लिए आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, आप इंतजार कर सकते नहीं हो। तो चलिए बताइएगा मुझे, आपको मेरे से और क्या सवाल रहेंगे कमेंट में बताइएगा, आप मुझसे और क्या चीजें चाहते हैं जरूर से कमेंट में बताइएगा। बच्चा लोग आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मैं फ्री रिसोर्सेज दे सकूंगा मैं दूंगा, बट प्लीज ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं सब कुछ फ्री रिसोर्सेज दे दूं, क्योंकि टीम ने बैठ के इन पे बहुत मेहनत की है। बहुत सारे हमारे नोट्स कॉपीराइटेड है, उनको हम ऐसे ही नहीं दे सकते। पीडीएफ हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो पीडीएफ आप सबके लिए है। मैं आपके साथ इजीली ऐसे शेयर नहीं कर सकता हूं, आई हैव सम लिमिटेशंस, बट जितना मुझसे होगा मैं आपके लिए 100% करता रहूंगा। तो चलिए मिलेंगे वापस से अगले वीडियो में, तब तक के अच्छे से पढ़ते रहिए, बिना टाइम वेस्ट किए बहुत मेहनत करिए। बाय बाय, मिलते हैं।